गुड आफ्टरनून सर। सर आपका माइक म्यूट है। आपका माइक ऑफ है सर। आपका माइक मैं ऐसे ही बना। ये डिस्क है, इट्स इन वर्टिकल प्लेन, इसका मास एम, रेडियस आर। ये एक्सिस है, ये फिक्स्ड है, एक्सिस पी क्यू। हमें दिया है रॉड ऐसे गिर गई, मतलब ये डिस्क ऐसे घूम गई इस फॉर्म में। अगर थी, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले रहा हूँ कि ये एक्सिस फिक्स है, समझ लो ये डिस्क है, तो अगर ये ऐसे गिर फॉल करेगी तो व्हेन इट रीचेस द बॉटम, जब ये मास, ये जो सबसे ऊपर है अभी, ये पॉइंट है, जब ये सबसे नीचे आ गया तो हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है। वीडियो स्लो चल रहा है क्या? मेरे को लैग लग रहा है इसमें। हाँ जी सर। तो हमारे को इस फॉर्म में दिए कि जब ये मास घूम के नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी बतानी है। फाइनल पोजीशन कैसे बनेगी? अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल पोजीशन, ये एक्सेस है यहां से तो फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे आ जाएगा फाइनली। तो फाइनली मेरी पोजिशन जो बनेगी वो ये बनी कि पी क्यू तो ऐसी है, ये फिक्स्ड है, पर डिस्क का जो मेजर पार्ट है वो नीचे आ गया। ए जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो इसकी स्पीड बतानी है कितनी है। पहले ये देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा? क्वेश्चन समझ आया सबको क्या करना है? ये डिस्क कैसे नीचे गिर गई है, इस पोजीशन पे जब पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी है? अगर ये घूमती है, एक एंड फिक्स हो जाए, ऐसे गिरती है, तो जब ये इस पोजीशन से नीचे आ रही है तो इसके पास रोटेशनल एनर्जी आ रही है या ट्रांसलेशनल आ रही है? रोटेशनल। तो कहां से आई? जब ये इस पोजीशन से नीचे आएगी तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जितनी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ये डिस्टेंस आर बाय फोर दिया था, सेंटर ये है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस आर बाय फोर है, पहले ही आर बाय फोर ऊपर था, घूम के आर बाय फोर नीचे आ गया सी। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, डिस्क की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में हाइट में डिफरेंस कितना है? R by 2। तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई? mg r by 2 डिस्क की। अब इसको देखो, ये r by 4, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? R plus R by 4, 5R by 4, R plus R by 4, और ये भी 5R by 4, तो A की हाइट कितनी कम हुई, वहां पे भी एक मास था, 2R by 5R by 4 ऊपर था, अब ये एक्सिस से 5R by 4 नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया, हाइट कितनी कम हुई? अगर ए इस पॉइंट से यहां आता है तो इसकी हाइट में क्या चेंज आया? 5R by 2। तो अगर मैं सिर्फ इस मास की पोटेंशियल एनर्जी पूछू कितनी कम होगी, दैट इज mg into 5R by 2, और डिस्क की कितनी कम हुई थी? mg r by 2। और ये कहां गई? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? पॉइंट मास का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 5R by 4। तो आप ऐसे सोचो, मान लो ये अगर एक्सेस है, एक पॉइंट मास 5R by 4 पर ऐसे घूम रहा है इसके आसपास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 25 mr² by 16। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अबाउट PQ? डिस्क का मोमेंट mr² + mr² by 16। नो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हाफ एम आर स्क्वायर लिखते हैं वो किस एक्सिस के अबाउट होता है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इस एक्सिस के अबाउट होता है। तो अबाउट डायमीटर कितना होगा? mr² by 4। अब इस पे आओ, अबाउट डायमीटर है mr² by 4 इस एक्सिस के अबाउट, तो PQ के अबाउट कितना हो जाएगा? mh² हो जाएगा m into r by 4 का square plus 1 by 4 mr². अब देखो, अब हो गया सॉल्व, बेसिक चीजें हमें पता चल गई। मैं कह रहा हूं जब ये मास, जब ये डिस्क घूमेगी तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और जो पॉइंट मास ए पे था उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल ली mg 5R by 2, दिस इज mg r by 2। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ गई, तो यू गेट mg into 5R by 2। कैलकुलेशन बाद में देखते हैं क्या करना है। प्लस mg r by 2 = ½। आई बोलो क्या, पूरा फॉर्मूला बता दो आई का। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 25 mr² प्लस डिस्क का अबाउट डायमीटर
mr square by 4 plus m square by 16 mr square by 16 इस पूरी कैलकुलेशन से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा. हमें ओमेगा तो नहीं पूछा, क्या पूछा? इसकी स्पीड कितनी है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो स्मॉल मास m है, ये किस रेडियस में मूव कर रहा है एक्सिस के अबाउट? इसका रेडियस ऑफ पाथ क्या है? ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका रेडियस ऑफ पाथ क्या है? 5r/4. तो इसकी लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? 5r/4. r ओमेगा में r की वैल्यू 5r/4. सो 5r/4 इनटू ओमेगा. अब देखो समझ में आ रहे हैं सारे स्टेप या नहीं आ रहे? अगर किसी को नहीं कुछ समझ आया तो पूछो. हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिया, हमने कहा स्मॉल m की और डिस्क की जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन. स्मॉल मास का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है 5r/4, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into 5r/4. तो इसका अबाउट डायमीटर फॉर्मूला होता है mr²/4. तो अबाउट PQ निकालोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr²/4 प्लस m into r/4 का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो v इज इक्वल 5r/4 इनटू ओमेगा. क्लियर सबको? इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो, कोई डाउट है तो. ये तो मैं कंसेप्ट लिखाता हूँ, लिखे कंसेप्ट सर? क्वेश्चन लिखवा दो, वो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ. एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन के टाइम पे म्यूट था माइक? हाँ जी सर. लिखो क्वेश्चन, मेरे को आप, मेरे को लगा कि आपने लिख लिया क्वेश्चन, बाद में म्यूट हुआ. चलो लिख लो क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, ये जो स्मॉल मास है मैं ये फिक्स्ड है उसके ऊपर, मतलब डिस्क के ऊपर फिक्स्ड है? ओके सर. सो यू कैन राइट क्वेश्चन, लिख लो पहले. अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस आर एंड मास एम एज शोन. अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज मास एम एंड रेडियस आर एज शोन, एंड अ स्मॉल मास एम इज फिक्स्ड ऑन द डिस्क. मतलब डिस्क के ऊपर फिक्स किया हुआ है. अ स्मॉल मास एम इज फिक्स्ड ऑन द डिस्क. Disk is initially in the vertical plane with point mass at A. Disk is initially in the vertical plane with point mass at A. It is free to rotate about. It is free to rotate about horizontal axis PQ. It is free to rotate about horizontal axis PQ. Find linear speed of m. Find linear speed of m Find linear speed of m when it is at the lowest point. So you can write concept likho pehle. As the disk rotates about, concept, as the disk rotates about fixed horizontal axis, as the disk rotates about fixed horizontal axis PQ, as the disk rotates about fixed horizontal axis PQ, then as the point mass moves to the lowest point, decrease in gravitational potential energy
will be equal to decrease in gravitational potential energy will be equal to increase in rotational kinetic energy results in increase in rotational kinetic energy. As shown in the figure, height of point mass. As shown in the figure, height of point mass decreases by 5 r/2, whereas center of mass of the disk falls by 1/2. Using conservation of energy, ये equation लिख लो, omega निकालो और फिर v निकालो, solve करो इसको पूरा. First find omega and then v. Thin uniform rod AB is vertically placed on a rough horizontal ground. Is placed vertically on the horizontal ground. If upper end is slightly disturbed, so that it starts falling and due to friction, its lower end does not slip. Find normal reaction. Find normal reaction and friction at point B. Sir, rod AB थी और point B है. Uniform rod में दे रहा हूँ diagram. हमें दिया है कि एक uniform rod है which is placed on a rough horizontal surface. हमने उसको ऊपर से थोड़ा सा tap किया तो वो गिरने लगी, पर उसका lower end move नहीं किया. जैसे मेरे पास ऐसे अगर ground है, इसके ऊपर एक rod रखी हुई है. Lower end भी है. इसको मैंने थोड़ा सा जब डिस्टर्ब किया तो ऐसे गिरने लग गया. हमने बताना है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद अ वर्टिकल. मतलब जब ये रॉड इस पोजीशन पे आ गई, तो हमने बताना है इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कितनी है और नॉर्मल रिएक्शन कितना. क्वेश्चन समझ आया पहले? फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी.
कैसे करेंगे पहले बताओ। सर इसको वर्टिकल सर्कल वाले से कर सकते हैं, वो रोटेट ही करता है। कैसे करना है बताओ सर। जैसे वेट का कंपोनेंट एक रहेगा सर, एक एक्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे सर, उससे नॉर्मल नॉर्मली एक्शन आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें अल्फा निकाल लो, सबसे पहले अल्फा निकालो, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, फिर देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है एंड फिर सॉल्व करो। बिकॉज जब ये गिरेगा व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो इसकी कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। सो सबसे पहले वो देखो वो कितनी है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे इसमें बोलूं कि सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दो व्हेन इट मेक्स एन एंगल, अगर मैं इसकी सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहूं, कंसेप्ट लिखो पहले मैं कराता हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के लिए। इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको पूछ सकते हैं, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ रेडियल। इसमें तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन पूछी है। सो यू कैन राइट एज द रॉड बिगिंस टू फॉल, एज द रॉड बिगिंस टू फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू And it gets converted into rotational kinetic energy and it gets converted into rotational kinetic energy. अगर मैं सिर्फ ये पूछूं इस जब ये इन वर्टिकल पोजीशन से एट एन एंगल थीटा पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया? MgL 1 minus cos theta ना, ध्यान से देखो मैं आपसे सिर्फ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछूं, MgL 1 माइनस cos थीटा नहीं है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ, बिकॉज आपको सेंटर ऑफ मास, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी MgL थोड़ी होगी, सेंटर तो यहां पे है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी MgL/2 है, फिर सेंटर यहां पे आ गया,
डिक्रीज एम जी एल माइनस एम जी एल बाय टू वन माइनस कॉस थीटा हुआ ना, एम जी एल नहीं लेना बिकॉज ये एल, ये एल बाय टू है तो ये एल बाय टू कॉस थीटा। सो यू कैन, इसको लिख लेते हैं हम सारे स्टेप्स को, बिकॉज डायग्राम में इतना कुछ नहीं लिखना। यू कैन से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आई कितना लें, एम एल स्क्वायर बाय 12 या एम एल स्क्वायर बाय 3? 3 बिकॉज एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यू गेट यही आ रही है रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, यहां तक ठीक है। ओमेगा निकाला, मैं अल्फा कैसे निकालूंगा? मैंने कहा था इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या था? A is tangential acceleration. Radius of path is L by 2, to L by 2 alpha. Ye step theek hai, A T is L by 2 alpha. Agar ye ghoom rahi hai, to ispe koi torque lag rahi hogi na, agar ye aise giri. Ispe torque kitni lagi is instant pe? Kisne lagai? Kaun si force hai jo isko gira rahi hai? Weight. ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टॉर्क कितनी लगी व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा? ग्रेविटेशनल के कारण टॉर्क व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, ऐसे देखो ना। मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? mg, इसका पॉइंट b से डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना? l by 2 sin theta। तो टॉर्क ड्यू टू mg कितनी हो गई? mg l by 2 sin theta, mg into l by 2 sin theta, and this is equals to i alpha, i is ml square by 3। So you can say टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज अल्फा कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी यही आ रही है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। यहां तक देखो, यहां तक कोई डाउट है तो, यहां तक कोई डाउट है तो
अब मेरे को बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना और फ्रिक्शन कितनी। अगर मैं एक रॉड को बनाता हूं विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, अगर ये रॉड ऐसे पड़ी है, अगर ये लोअर पॉइंट को देखो, अगर ये स्लिप करता तो ये आगे करता या पीछे करता? पीछे पीछे पीछे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या मार्क करूं? फॉरवर्ड राइट साइड फॉरवर्ड। इफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अपवर्ड। वेट किस डायरेक्शन में? एमजी। इतना ठीक। ये फोर्सेस मार्क की मैं एक्सेलरेशन अलग डायग्राम में मार्क करता हूं। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मेरे को बताओ इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगी? रेडियल एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, ये पॉइंट रेस्ट पे है या मूव कर रहा है? मूव कर रहा है। सर्कल में, सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव करे तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है? Towards the center. तो किधर मार्क करूं मैं उसको? Along the rod. AC. Clear ये? हमें दिया ये angle theta. ये भी थीटा ही होगा। डायग्राम क्लियर नजर आ रहा है ना सबको कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एटी के दो कंपोनेंट्स कौन से बने? ये थीटा तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो एटी के दो कंपोनेंट्स कौन से? इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट 80 का? 80 cos 80 sin sin is sin 80 sin और ये कंपोनेंट 80 cos। सिमिलरली AC के दो कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में कितना? 80 cos एंड दिस इज AC sin। मतलब दिस इज AC sin। This is AC cos theta, AT sin theta, AD cos theta. मैं आपसे पूछूं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितनी है? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स और कितनी? डाउनवर्ड्स। ऐड करें सबट्रैक्ट। Add. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है? नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। मतलब एमजीएन से ज्यादा होना चाहिए।
तो मैं फ्री बॉडी इक्वेशन अगर लिखूं तो मैं यही लिखूंगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इनटू ac cos थीटा प्लस at sin थीटा। समझ में आ रही है ये इक्वेशन सबको? हां जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? सिर्फ एक, f। तो f किसके इक्वल? अगर फोर्स इस साइड लग रही है तो at cos थीटा ज्यादा होना चाहिए या ac sin थीटा ज्यादा होना चाहिए? at cos थीटा। तो इक्वेशन क्या बनी? at cos थीटा माइनस at sin थीटा इनटू m। हमें एक तो ये निकालना था f की वैल्यू, तो at और ac चाहिए मेरे को। दूसरा n निकालना है तो मैं n को ऐसे भी लिख सकता हूं, n इज इक्वल्स टू अब ध्यान से देखो मैंने वैल्यूज कौन कौन सी निकाली है। मेरे को इन दोनों इक्वेशंस के लिए AC और AT चाहिए, थीटा तो आएगा ही आंसर में। अल्फा की वैल्यू अगर 3G by 2L sin थीटा है तो AT कितना हो जाएगा? L by 2 into 3G by 2L sin थीटा। L by 2 into अल्फा, तो L by 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ये मेरे पास 80 आ गया, L कैंसिल हो गया, 3G by 4 sin थीटा। ठीक है ये स्टेप। मैंने पहले एक ओमेगा भी निकाला था, AC क्या होगा? ये कौन सा फॉर्मूला है? R ओमेगा स्क्वायर। R ओमेगा स्क्वायर, तो AC कितना आ गया? AC पता है, AT पता है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द आंसर्स। ये इतना बड़ा क्वेश्चन अब नहीं आता पेपर में, वो सिर्फ AC पूछेंगे, सिर्फ AT पूछेंगे क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सारा सॉल्व करके दिखाओ। सिर्फ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं। तो हमने जो अलग अलग स्टेप किया है ना, वो कोई बीच में से पार्ट पूछ लेंगे इसका, दे विल नॉट आस्क दिस फुल क्वेश्चन। कंसेप्चुअली किसी को डाउट है तो मेरे से पूछो, कुछ स्टेप नहीं समझ आ रहे तो। क्लियर है ये सारा कैसे किया? सर ये फ्रिक्शन वाली इक्वेशन बता दो, f इक्वल टू 80 cos थीटा माइनस। सर ये वाले डायग्राम देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है इस डायग्राम से? f। अगर f लग रही है फोर्स टुवर्ड्स राइट, तो एक्सेलरेशन नेट राइट साइड पे होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे? राइट साइड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन कौन सी है? 80 cos AC sin। ज्यादा कौन सी होनी चाहिए? 80 cos। नेट एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 80 cos minus AC sin। और फ्री बॉडी इक्वेशन f इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ओके सर। देखो और किसी को कुछ पूछना है इसमें तो? एनी अदर डाउट? अदरवाइज नोट कर लो इसको। आप में से किस किस को अभी भी रोटेशनल या न्यूमेरिकल से डर लग रहा है कि नहीं निकलेंगे? बिकॉज फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं मंडे मॉर्निंग भी। स्कूल तो कोई नहीं जा रहा? या स्कूल जाते हो तो कितने बजे जाते हो? नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। फिर 7:30। 7:30 स्कूल जाते हो? यस सर ऑफलाइन। आप ऑफलाइन जा रहे हो स्कूल, रोज जाते हो? यस सर। बाप रे, इतना क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? कौन सा स्कूल है सर? केवी केंद्रीय विद्यालय कैंट में, केवी 3 सूरन उसी सर।
केवी सुरानस ही जाते हो। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता? गुरविंदर मैम। एमजीएन में वाई वाले ने आते हैं 12th क्लास का, आपको पता नहीं डांटते हैं नहीं डांटते, बट सबके जिसके बोलो सबके 30 मार्क्स लगा देते हैं प्रैक्टिकल्स में, जितने बच्चों की लिस्ट दे दो। एनीवेज तो अगर आप स्कूल जाते हो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और भी कोई है? एक ही जना स्कूल जा रहा है सर, अब बस ऑफलाइन एग्जाम शुरू होने वो दिन जाने पड़े हैं बस। नहीं मैं तो मंडे का पूछ रहा हूँ अभी सिर्फ, मैं अगली डे फिर डिसाइड कर दूंगा, सिर्फ मंडे। नहीं नहीं मंडे कुछ नहीं है, मंडे नहीं जा रहे तो मंडे मॉर्निंग 8 बजे लगा लेते। जो लोग आ सकते हैं क्लास में आ जाना, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जो ने बाद में देखना होगा बाद में देख लेना, बट 8 बजे मंडे मॉर्निंग रोटेशन के न्यूमेरिकल्स की क्लास लगाएंगे, बिकॉज इसके अभी भी कुछ न्यूमेरिकल्स की टाइप हैं जो आ सकती हैं और हमने अभी नहीं की है। सर 8 to 9 होगी कि उससे पहले? वो नहीं पता यार, 8 बजे आ जाना ना, जितनी देर पढ़ा जाएगा उतनी देर पढ़ लेंगे, क्या टेंशन है। So you can read next. अगर आपकी इसके बाद क्लास नहीं होती तो मैं इसके बाद ना आजकल एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ क्लास को, बट अगर आपकी किसी की इसके बाद क्लास नहीं है, मेरी अब इसके बाद क्लास नहीं होती, मेरी इससे पहले क्लासेस होती हैं बाद में नहीं होती, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो मैं इसको भी कर सकता हूँ एक्सटेंड, एक्स्ट्रा क्लासेस कि एक्स्ट्रा क्लास की जगह इसी को ही हम 15-20 मिनट आधा घंटा बढ़ा लें जितनी देर पढ़ा जाए न्यूमेरिकल्स, इसको एक्सटेंड कर लो फिर। सो इसलिए हम वो भी कर सकते हैं कि अगर किसी की क्लास नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। नेक्स्ट यू राइट अ स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, अ स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन, a sphere of mass m and radius r is placed on rough horizontal surface and a constant horizontal force f and a constant horizontal force f is applied at a height r by 2 above its center as shown. Find the frictional force exerted on the sphere by the ground. Find the frictional force exerted by the sphere on the ground. थोड़ा ध्यान से करना एंड डायग्राम दे रहा हूं मैं आपको। हमने एक फोर्स लगाई एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाय टू एंड इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो हमने बताना है कि इसमें फ्रिक्शन कितनी लग रही है, इसमें फ्रिक्शन कितनी लग रही है। आप ऐसे सोचो बिकॉज फ्रिक्शन की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये रोल करता? हाँ जी यस। फ्रिक्शन ना हो तो रोलिंग पॉसिबल है?
उसके बाद कोई भी बॉडी आप उसको धक्का मारोगे वो स्लाइड करेगी, फ्रिक्शन के कारण ही रोलिंग होती है। प्योर रोलिंग का मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स है इसीलिए प्योर रोलिंग होती है, नहीं तो बॉडी स्लाइड करती है। कि अगर आप स्फीयर को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दोगे ना, वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन उसको घुमाती है। पर बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक्ट करती है तो वर्क डन पे फ्रिक्शन नहीं लेते हम, एनर्जी लॉसेस नहीं लेते। अगर ये रोल कर रहा है, मैंने इसे इधर धक्का मारा, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की मोशन ना देखना, कंसेप्ट देखना। ये रोल कर रहा है फ्रिक्शन के कारण क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन राइट साइड पे लगनी चाहिए या लेफ्ट साइड पे? इसने फ्रिक्शन के कारण क्लॉकवाइज रोटेट करना, तो मैं उस लेफ्ट राइट साइड मार्क करूं या लेफ्ट साइड मार्क करूं? लेफ्ट साइड। इन दोनों के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट में है? सेम। पहले इसका टॉर्क बताओ, अगर सिर्फ कैपिटल एफ लगता तो क्लॉकवाइज घूमती है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क कितना, ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से? एफआर बाय टू। एफआर बाय टू। इसका टॉर्क कितना? एफआर। 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 इन दोनों का टॉर्क ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा? ऐड। दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यही इक्वेशन बनी। यही इक्वेशन बनेगी ना। आई कितना लूं? 2.5 एमआर। प्योर रोलिंग है तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। ये तो रोटेशनल इक्वेशन होगी, ट्रांसलेशनल इक्वेशन बताना। एफ बट कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम ए। इन दोनों इक्वेशन से स्मॉल एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो आर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन सिंपलीफाई करके क्या बनेगी? ये एक आर कैंसिल, पूरी इक्वेशन में आर कैंसिल कर दे तो क्या बना? यही बनी इक्वेशन, कैपिटल एफ बाई टू प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और एक इक्वेशन ये है, यहां से स्मॉल एफ निकाल सकते हो? हाँ जी सर। तो स्मॉल एफ की वैल्यू निकाल लो, क्या आती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ। गलत मत करना, कैपिटल एफ के टर्म में आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, पहले स्मॉल एफ कैंसिल हो जाएगा, वो एक इक्वेशन हमने गलत लिख दी, नीचे वाली एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए है।
पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ए निकाल लो, ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में रिलेशन आ जाएगा। तो सॉल्व करके क्या आया? Small f comes out to be 3f/2 is equals to 7/5 ma, so a comes out to be 15f/14 m, a is 15f/14 m, so value put kar doge to F minus 15f/14 m. F by 14 आ रहा है। So check कर लो सबका आ रहा है f/14. Yes. So next time कर दें फिर Monday morning, जिसको भी rotation के numericals करने compulsory class नहीं है, but जो भी numericals करना चाहता है Monday morning 8 बजे. कल टेस्ट है? कल टेस्ट नहीं है, आप रोटेशन अच्छे से रिवाइज कर लो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। रिवाइज करने का मतलब ऊपर ऊपर से नहीं देखना, हमने पूरे हफ्ते में जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं खुद से करके देखना एक बार। सर एचसी के क्वेश्चन ट्राई करें? एचसी के कर सकते हो आप। मैंने एज सच थ्योरी में अब कुछ नया नहीं कराना, जितनी थ्योरी चाहिए थी एचसी के न्यूमेरिकल्स करने के लिए कर ली, एक्सेप्ट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन होंगे, तो बाकी आप सारे कर सकते हो एचसी के अब।